बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। हुई अशोभा, हुई अशोभा तेरी सुहागनिया, इन जुबा से न जाए बनिया। हुई अशोभा, हुई अशोभा तेरी सुहागनिया, इन जुबा से न जाए बनिया। ये जो मिला माननिया, टाई बढ़िया नैया मेरे धनिया। हुई अशोभा, हुई अशोभा तेरी सुहागनिया, जुबान से न जाए बनिया। हुई अशोभा तेरी सुहागनिया, जुबान से न जाए बनिया। जुबान से न जाए बनिया।
ভুইয়া শোভাতি সোহাগনিয়া ইন্দ্রবাসে না যায় বাইনিয়া এ যো মিলা মানিয়া তাই গাইখান নেয়া মেরে খনিয়া তাই বড়াইয়া নেয়া মেরে খনিয়া ভুইয়া শোভা তেরি सब दुनिया को यही दिया जवाब मोहम्मद इनको लीसी सवाब सब दुनिया को यही दिया जवाब मोहम्मद इनको लीसी सवाब दुनिया जलती मोहम्मद में आई दो जखराग रसूले छोड़ा सबसे बड़ा वही तो स्वागत करेगा चंदन पुष्प माला और बैंड बाजे के साथ विधिवत जो है जैसे महाराजा आते हैं आके श्री जी का स्वागत किया भेंट करी बनाए और देवकरण और महाराजा छत्रसाल जी ने विधिवत राजा के रूप में आके दर्शन किए चरणों लगे अब महलों में लेकर के स्वामी जी को गए वे वक्त महाराज को अब अभी जाके स्वामी जी बैठे थे तो क्या हुआ अफगान खान ने युद्ध का बिगल बजा दिया थी महूम अफगान खान ने मुहिम की थी सवारी तैयार बस बिगल बजने के बाद फिर बुंदेले सेना रुक नहीं सकते बस पहन करके जरा बख्तर और अपनी तलवारें लेकर के आगे आए लगे चरण आके अब छत्रसाल जी भी ध्यान देना अब यही बातें सुनने की है छत्रसाल जी तुरंत अंदर गए लोहे का दर्रा बख्तर टोप और अपनी तलवार लेके आके स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि बस स्वामी जी
ये मेरा पहला प्रणाम और आखिरी प्रणाम। मेरे पास केवल 500 सेना है और वो लगभग आज भी छतर साजी के महल के ऊपर, अब तो दूरबीन खुर्दबीन शीशा लगा हुआ है, ऊपर चढ़ के देख सकते हो, झांसी तक सब आपको नजर आएगा। जो वहां बिठा रखा था, जैसे आजकल तो बड़े बड़े रडार लगे हुए हैं, उस समय रडार नहीं था, ये शीशा ही था, उसके अनुमान से बताया कि अफगान खान लगभग 80,000 की सेना लेकर के आया है, बस जो कुछ आपकी मेहर होगी देखा जाएगा। तब छतरसाल जी को स्वामी जी कहते, अच्छा घबराओ नहीं, ये बता दो किस तलवार से लड़ा करते हो। वो तलवार दरा निकालो। छतरसाल जी ने तलवार म्यान से निकाली और चरणों में रख दी। ध्यान से स्वामी जी ने तलवार की मुट्ठी पर हाथ रखा, एक नजर इस तरफ, फिर उलट करके एक नजर दूसरी तरफ डाली। चलेंगे छतर साहब, ये तलवार लेके मैदान में चले जाओ, आज सेना आगे नहीं चलेगी, आज तुम आगे चलोगे। नहीं तो क्या होता था, पहले सेना चलती, बाद में उसका सिपा सलार मालक चला करते। कहने के तुम जाना और इस तलवार से अब किसी का सिर नहीं कटेगा, सेना को पीछे रखना, तुम आगे चलना। क्या करना, जब सामने मुसलमान आएंगे तलवार निकाल करके घुमाते रहना। तो जब इधर तलवार की चमक स्टील की होती थी तो इधर वालों को क्या पता चलेगा कि ये बंदेले हैं, जब इधर घुमाओगे तो इधर वाले क्या समझेंगे, ये बंदेले हैं, आपस में ही कट मरेंगे। तुम तलवार लेके घुमाते रहना, शाम तक क्या होगा कि उनके ही सिपाही, जो सिपा सलार है उनका अफगान खान, उसको भी काट डालेंगे। अब उठाओ, हिस्ट्री लिखा है, अब हिस्ट्री उठाओ ना, तब ताकि तुम्हें तसल्ली हो। शाम के जब 4 बजे तो किसी सिपाही ने गलती से देखा कि यही छतरसाल है, था वो अफगान खान, काटा और उसकी दाई टांग हाथ कट गया और हाथी से नीचे गिर गया। जो बच्चे खुचे थे वो भी डर के भाग गए, सिर राय रुमाल लेके। अब और क्या किया, एक तो तलवार, दूसरा अपना रुमाल जो स्वामी जी सिर पर ओढ़ते थे वो ओढ़ा। अब आप बताओ, अक्षतीश राजीव राय ने अपना रुमाल समझो इज्जत पगड़ी की उतार के धर दी, ब्रह्मांड में किसी की ताकत है जो आप उनको देख सके, अपना रुमाल उड़ा दिया, सिर पर धरा महाराज छतर साल के, हाथ धरा सिर ऊपर और हाथ धर दिया, ओए पूरन मनोरथ का छतर, 80,000 क्या चीज होती है, तेरे मन की सब कामना पूर्ण होंगी। इन समय लोग लश्कर के कहे, अब छतर साल जी आए और कहा, देखो भाई आज तुमने नहीं लड़ना, आज मुझे लड़ना है, खबरदार तलवार निकाल के या भाले से किसी को मारना नहीं है, जो हमें पावे फतेह। अब सारे दुनिया वाले सिपाही क्या जाने, कहने लगे छतरसाल जी फिर अगर आज भी हम जीत जाते हैं तो ये हमारी या तुम्हारी जीत नहीं, ये स्वामी जी की कृपा है, तो यही हमारा हक है। दुनिया वाले तो चमत्कार देखते हैं, तो यही हमारे अक्षातीत हैं, यही हमारे परमात्मा हैं। लोग मांगे दुनिया वाले चमत्कारी लीला चाहते हैं, पर स्वामी जी मेहर तो करते हैं, चमत्कार नहीं करते। तब उसे फतेह करके, तब जैसे कहा था वहां से फतेह हो गई, शाम तक जीत के आए, आए श्री महाराज, महाराजा छतरसाल जी आए, तब लोगों ने कहा, तब सारे फौजियों लोगों ने तो यही कहा, बिन राज न होए काज, ये बिन राज ये काम नहीं हुआ, हम 500 थे, 500 के 500 जिंदा आए हैं, वो 80,000 के 80,000 नष्ट हो गए। फिर श्री महाराज ने देखा, अब महाराजा छतरसाल जी ने बैठ के क्षर अक्षर
अक्षरातीत के पट समझे और तारतम का भेद समझा और तब तारतम लिया अब पहचान हो गई कि मैं एक महाराजा नहीं, मैं शकुंडल की आत्मा। तब कहा स्वामी जी ये लो चाबियां, ये लो राजपाट, अब मेरे से ये राजपाट का काम नहीं होता, मुझे सुंदर साथ के चरणों की सेवा, क्योंकि परम धाम में सेवा नहीं है, मैं सुंदर साथ की सेवा करूंगा। जा खड़ी आत्म जब जागृत होती है तो सेवा के बिना कुछ ना मांगती है ना वो करती है। अब स्वामी जी ने कहा अच्छा तुम ये राजपाट की अपनी व्यवस्था वजीरों के हिसाब से सौंपो, अब हम पन्ना जी जाते हैं, फिर तुम वहीं आ जाना। पहुंचे श्री जी साहब, श्री जी साहब वापस आ गए, मजली ने पहचाना। अब उधर छत्रसाल जी ने तुरंत दूत को कह दिया कि मजली रानी है, वो आके चर्चा सुने। अब उसने चर्चा सुनी, आत्म थी जागृत हो गई, आके पहचाना, सेवा करी तब। तब जो है क्योंकि सेवा कब होती है, जब दिल में भाव आते, भाव कब आते हैं, जब स्वरूप की पहचान होती है। और सब अंदर की, और जो अंदर की रानियां और या महलों में रहने वाले लोग कहां, चोपड़ा जी भी हवेली में रे पीछे तिन्ना, वो भी उनके पीछे पीछे आते थे। पहुंचे अब चार पांच दिन हफ्ते के बाद सब राजपाट की व्यवस्था करके महाराजा छत्रसाल आए, सब बातें करी आगे इन्ना। अब महलों में रहने वालों ने सब रे बातें की, गिरे दंडवत आए के। अब छत्रसाल जी दंडवत करके आके चरणों में प्रणाम करते हैं, सरमुख साथ में पास, सब सुंदर साथ के सामने, महाराजा हूँ तो हूँ, स्वामी जी के सामने कोई भी महाराजा नहीं है। शीश धरा दोनों चरण पर, अब शीश धरा दोनों चरणों पे रख के दंडवत प्रणाम किया, दिनो जगत निकाल सा। बस अपनी मेहर का नजर हाथ सिर पे रख दी, आए महाराजा उतसे। अब महाराजा छत्रसाल जी जब आए रसोई के वक्त, अब इधर क्या था, रसोई का समय था, बाईजुराज थाल परोस करके लाती हैं अर्घाने के लिए, स्नान कर ठंडे होते, स्वामी जी स्नान करके, नदी थी वहाँ और तो कोई था नहीं, और वस्त्र पहन रहे थे श्री जी पिता, और स्वामी जी वहाँ पर खेत की नदी के किनारे पर कनाते ठंडी करी, और उधर कनाते बाईजुराज माताओं बहने के लिए पर्दा लगाया जाता था, बैठे श्री महाराज, महाराज छत्रसाल जी बैठे, थाल श्री बाई जी ले आई, बाई जुराज थाल लेकर के आई अरुगाने के लिए, आगे करी श्री राज, चरण चरण सिंह मालपुरे मालपुरे वगैरह के लिए जो भोग के लिए बनवाया था, ले क्या बाई जी ले आई, बाई जुराई थाल लेके आती हैं, आगे धरी सिर राजा, आगे आके थाल रखा जाता है, चार जने महाराज संग, महाराजा छत्रसाल जी के चार अंग रक्षक वो भी साथ आते हैं, लिया इत प्रसाद, स्वामी जी आरोप चुके, तब सबको प्रसाद दिया, छत्रसाल जी ने भी प्रसाद, अब कई नारद भी साथ रहते जिनसे ये चीजें सहन नहीं होती और घरों में आग लगाने का काम करते रहते, पता था कि बुंदेला किसी का भी जूठन प्रसाद लेता नहीं है, बस अब छत्रसाल जी बुंदेला पुंदेला थोड़े, राज्य की अंगना, उस भाव से प्रसाद ले लिया, अभी प्रसाद लिया ही था कई नारद जी महाराज पहले ही चाचा बलदेवान के पास पहुंच गए कि चाचा खानदान का सत्यानाश हो, क्योंकि बुंदेला मर तो सकता है, किसी को गुरु नहीं बनाता, क्योंकि गुरु बनाने के बाद झुकना पड़ता है, और
यहाँ गुरु वाला तो कोई काम ही नहीं था, अंगना भाव से जब प्रसाद ले लिया, सारी शिकायत चाचा बलदेवान के पास पहुंच गई। बद फैली दिल में करी, उनके दिल ही जिनके बद हैं, बुरे हैं, वो तो बुरे ही काम करेंगे। जो था सेना में जेठा, सेना में जेठा परिवार में सबसे ज्येष्ठ कौन थे, बलदेवान जी, उनको जाके भड़का दिया। डगाम ने महाराज को, महाराजा छत्रसाल जी को ईमान से डिगाने, एक जना आ जाओ आराम से आ जाओ, उधर दे दो, रख दे इसमें से कुछ पूड़े रख, तुझे बताया नहीं था दोपहर के थाल भोग के लिए पूड़े बने। यहाँ से चौपड़े की हवेली में जाते, सारी शिकायत पहले ही बलदेवान जी के पास पहुंच चुकी थी। बस बुदेला का गुस्सा, राजपूतों का कौन जाने, छत्रसाल जी को ईमान से डिगाने के लिए जो कुछ कहना था चाचा बलदेवान कह रहे हैं और छत्रसाल जी सुन रहे हैं। ना बेराई तरफ दलगीर, पर राज्य की तरफ से जरा भी दलगीरी आई नहीं, ईमान नहीं डिगा, हमेशा रहे खुशहाल, हमेशा खुश दिल होकर कि मेरे धनी मेरे पास आ गए हैं, अब किस बात की चिंता। संबत 1740 से, संबत 1700 वो बात, दगेगा 39 साल और लगेगा 40 साल, होसी कोई मर्द मर्द, एक मर्द है एको पुरुषा सभ्य नार, ता पुरुष का करो विश। और नानक जी क्या कहते हैं, हे मेरे गुरु साई मेरे मालक, वेला जब होसी सत्य सत्य दे वे, जब इस ब्रह्मांड में सत्य की बेला जागृत हो, हे मेरे सच्चे साई, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, मुझे भी वेला वक्त दिखाना, मैं भी उनके चरणों की धूली बन सकूं। पधारे पन्ना में, जब पन्ना जी पधारे, सेवा श्री महाराज करी, सेवा महाराजा छत्रसाल जी ने की, क्यों कोई जुआ से, इस जुआ से उसका वर्णन नहीं हो सकता, कौन करी ना करती, ना किसी ने की और ना कोई उनके समान कर सकेगा। जब से ब्रह्मांड बना है सबकी सेवा शास्त्रों में, सबकी सेवा शास्त्रों में जरूर लिखी है, लिखी है जो ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में जिन्हों जिन्हों सेवा की, राम भगवान ने भी की, एकलव्य ने भी की, धन और हीरे जोहरातों से सेवा की, चौपड़े की हवेली में, अब ध्यान दो महाराजा छत्रसाल जी भी सेवा, अब दिल में भाव आए कि मैं भी तो अपने धनी को अपने घर लेके आऊं, पालकी में स्वामी जी को बाईजू राय को बिठाकर उस नदी से लेकर चार जने उठाते हैं, एक तरफ महाराजा छत्रसाल और तीन तरफ रानियां उठाकर उस पालकी को लाते हैं, चोपड़ा जी की हवेली में लाकर पालकी को रखा। कहां श्री राज, श्री जी साहब जी को बधराया, चले आप सुखपाल ले, सुखपाल लेकर के चले कान पे कुंवर महाराज, कुंवर और महाराजा छत्रसाल, तीनों कुंवरैया उठा के लाती हैं। सुखपाल धरी जय द्वार में, सुखपाल धरा
द्वार के ऊपर अति उच्च रंग बहुत उच्च रंग के साथ चले आप भीतर को। अब स्वामी जी उतर करके अंदर चले। दिन माने और सुफल जो सोए। अब महाराजा छत्रसाल खुशी में मस्त हो गए कि ये दिन मेरा जीवन में दोबारा कब आएगा। भीतर जाते द्वार में अब वो तो मस्त हो गए कि मेरा जीवन सफल हो गया। मजली रानी देखती है और घबरा जाती है कि मेरे धनी मेरे घर आ रहे हैं और पांव चरण कमल नीचे रखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो नहीं जानते अब जान लेना, रतनपुरी में राजपूतों की बहुएं जब आती एक साड़ी पहनी होती, फिर ऊपर चद्दर होती, उसके ऊपर सुहाग वाला दुपट्टा आवरा होता और एक चद्दर फिर और होती है। मजली रानी ने देखा मेरे धनी मेरे घर पधार रहे और चरण उनके नीचे। नहीं, तुरंत अंदर ही अंदर से एक साड़ी निकाली और श्री जी के चरणों में पावड़े बिछा दिए। अब महाराजा छत्रसाल मजली रानी को कहते कि मजली तेरी जीत होगी, लेकिन संसारिक नाते मैं तेरा पति हूं, इसलिए साड़ी को उठा। ठीक है, उठा लिया। महाराजा छत्रसाल जी ने अपनी पगड़ी पाग उतारी और चरणों में बिछा दी। यो कह उठाई साड़ी को, यो कह करके साड़ी को उठा दिया। कियो पावड़ा पाग को सोए, कियो पावड़ा अपनी पाग चरणों में बिछाए। ठीक, मजली रानी उदास हो के हे राज्य महाराज मुझे भी आज मर्द का रूप दिया होता तो मैं भी भाव अपने पूरे करता। वो धनी है सबके भाव पूरा करता। पाग पर जा रहे हैं आप जानते जो पन्ना जी गए हैं, बाहर के दरवाजे से आगे मंदिर दूर है। साड़ी उस पाग पर चलते गए लेकिन बीच में जगह बच गई। स्वामी जी मुख से कहते छत्रसाल पाग तो बिछा दे, अब जगह तो दूर है। जिस साड़ी को तूने हाथ से उठाया था अब उसको बिछा दो। तहां बिछाई साड़ी को, फिर अपने हाथ से तहां बिछाई साड़ी को बिछाया। बैठे सिंहासन खासन, तब जाके वो पावड़ा बिछाया गया और सिंहासन पे जाके उसके भी भाव पूरा करते हुए श्री जी पहुंचे। अपना आपा सब दियो, अब अपना आपा अपनी पाग और बिछाई साड़ी को वो सब कुछ अर्पण कर दिया। और दियो सब साज, और सब साज चरणों में ला के रख दिया। आरती निछावर करके, आरती निछावर करके कई धन धन दिन आज, आज धन धन मेरा जीवन का ये दिन है। यही पावड़ा, ए मेरे धाम के दुल्हा, यही मेरा टीका है
और यही मेरा पावड़ा है, यही निछावर है जो आपके चरणों में अर्पण हूँ। श्री प्राणनाथ के चरण पर महाराज छत्रसाल जी बोलते हैं, श्री प्राणनाथ जी के चरणों में छत्ता बल बल जाए, छत्ता बल बल जाते हैं। श्री भाई जू को जोड़े सिराए के, तब स्वामी जी सिंहासन पधारे और बाईजू राज को भी साथ पधराया, बैठाए कर सने बड़े स्नेह के साथ, बड़े प्रेम के साथ छत्रसाल जी ने बाईजू राज जी को भी साथ पधराया। कहनी में ना आवी, जो कहनी में नहीं आ सकता, लगो जुगल सोने लगा युगल सोने, राज्य और श्यामा जी को बधराया। साथ समस्त के बीच में, साथ समस्त के बीच में युगल धनी बैठाए, युगल धनी बैठाए। कई तुम सक्षात अक्षरा दी तो, और अब छत्रसाल जी कह रहे हैं तुम साक्षात अक्षरा अतीत हो, हम चीनिया तुम्हें बनाए, मैंने तुम्हें अच्छी तरह से पहचान लिया है। श्री ठकुरानी जी साथ संग ले, श्री ठकुरानी जी संग साथ लेकर के पधारे मेरे घर, पधारे मेरे घर। धनी बिना तुम्हें और देखे, धनी के बिना किसी और के भाव से यदि कोई देखता है, सो नहीं मिसल मात भर, वो परम धाम के ब्रह्म सृष्टि नहीं है। अब तो कछु ना हमारो, अब तो कछु मेरा नहीं है, सब कुछ धनी ये आपका है, आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। देख पे हम शीश, मैं शीश भी आपके चरणों में अर्पण कर चुका, अपारो ना बस, अब ये मेरा पन मेरे बस की बात नहीं है। करो जानो सो बख्शीश, अब तुम जो कुछ चाहो बख्शिश करो। तब बोले श्री राज जी, तब श्री राज जी क्या बोले, देखे राना बादशाह सब के, ए छत्रसाल, बड़े बड़े राणा, बड़े बड़े महाराजा मैंने देखे, पर तुम्हारे जैसा कोई देखा नहीं। पर जो कुछ करनी अंकुर की, पर जो कुछ करनी अंकुर ब्रह्म धाम की है, कोई देखी हम सब, वो सब कुछ ऐ छत्रसाल तेरे अंदर ही देखा है। पहले दाता हम भय, पहले दाता हम भय, छत्रसाल जी कहते हैं गुरु को दीनो शीश, जो सतगुरु के चरणों में शीश अर्पण किया, पीछे दाता गुरु भय, पीछे दाता सतगुरु भय, सब कुछ कियो बख्शीश, जिन्होंने सब कुछ ही बख्शिश में दे दिया है। बीतेगा 39 अब वो समय आया जो गुरु नानक देव जी ने चौपाई कह रखी थी, पीछे दाता सतगुरु भय, जो सब कुछ कियो बख्शीश, बीतेगा 39 बीतेगा 39 दगेगा 40 और 1740 का साल शुरू होगा, तब कोई होसी मर्द मर्द का चेला, तब कोई होसी मर्द मर्द का चेला। मर्द कौन? श्री प्राणनाथ। और चेला कौन? छत्रसाल जी महाराज। नाना गुरु दिखावे साईं, ए
मेरे सच्चे साईं गुरु नानक देव जी कहते हैं, वो वक्त मुझे भी दिखाना। सत सच दी बेला, जब सत्य सत्य की बेला इस सृष्टि में पैदा होगी। विद्या अभिनंदन बुद्ध जी, विद्या अभिनंदन बुद्ध जी, ब्रह्म सृष्टि सिरताज, जो ब्रह्म सृष्टि के सरताज होंगे, हाथ हुकम छत्रसाल के, और हाथ ऊपर छत्रसाल के, दियो सो अपनो राज, दियो सो अपना राज परम धाम का बख्श दिया। शाकुंडल सो बाबई, ए शाकुंडल छतर साल की शोभा है, प्रगट भई पहचान, प्रगट यहाँ सबको पहचान होगी कि छतर साल ही शाकुंडल है। छत्रसाल छत्ता हुआ, छत्रसाल सबके छत्ता हुए, छिपे सबे सुल्तान, सब सुल्तान छिप गए, साखी कह के थाल ले, साखी कह के थाल लाए, तिलक करियो सिरिराज, तिलक करियो सिर, अपने हाथ से छत्रसाल जी को तिलक किया। बजी बधाई नरपर्त के, अब बड़ी बधाई, बजी बधाई महाराजा छत्रसाल जी की, करी आरती प्राण, करी आरती, अपने प्राण अर्पण करके छत्रसाल जी आरती की, और गावने श्री राज को, श्री राज जी को अरुगाने के वास्ते मेवा मिठाई पकवान, मिठाई पकवान और थाल लेकर के आए, आनंद इन सुख, इन आनंद का सुख जिन्होंने राज्य महाराज की पहचान की, और अपना कौन जाए परमान, सब कुछ समर्पण किया। अब उसकी बात कोई कहीं भी क्या जा सकती है, फिर और बेर बुलाए, फिर और कई बार भी बुलाए, तो इसी भाव के साथ भीतर ले सुखपाल, तब भीतर सुखपाल लेकर के गए, एक तरफ आप उठाई, एक तरफ आप सुखपाल उठाए, एक तरफ ठकुरानी होए खुशाल, एक तरफ तीनों ठकुरानी लेकर के अंदर जाती हैं, पधराए अपने घरों, पधराए अपने घरों, अति हेत कर प्यार, अति हेत प्यार के साथ अपने सुखपाल को अंदर ले गए, भूषण पहराए बलिबान सो, भूषण पहरा करके तब अंदर ले गए, कियो बड़ो मनुहार, कियो बड़ो मनुहार, सब मनोकामना पूर्ण करते हुए महाराज छत्रसाल स्वामी जी को अंदर ले गए, चीन पहराई नव घरी, चीन पहचाई नव घरी पहराई, हीरा मानक चुन्नी, हीरा मानक और चुन्नी पहना करके, तले पहुंची लटके, तले पहुंची लटक रही है, और भूषण कई बांध के, और भूषण कई तरह के पहराए, ले आगे धरे आए, ले आगे आके धरे, और मछली ने अपने भूषण, और मछली ने अपने भूषण बाईजुराज को पहराए, श्री बाई जी को पहनाए, बाईजुराज को पहराए, श्री बाई जी को पहनाए, श्री बाईजुराज को पहराए, और भूषण कई
कई भात के ले आगे धरे आए, ले आगे धरे आए, और मजली ने अपने भूषण, और मजली रानी ने अपने भूषण जब महाराज आए पहुंचे सब बातां करी आगे इन सब बातां करी गिरे दंडवत आए के तुम्हारा के 76 साल वहां कहते हैं स्वामी जी अब मेरे से ये राजपाट का काम दुनिया का नहीं होता। तो उन्होंने कहा अच्छा अपनी व्यवस्था सारी करके आओ हम पन्ना जी जाते हैं। तो उधर महाराजा 76 साल जी की बड़ी रानी तो उनके पास ही रहती थी, दो रानियां उनकी चोपड़ा की हवेली में थी। जब उन्होंने भी सुना आके चर्चा सुनी और पहचान करके तारतम लिया और सारी बात उन्होंने महाराजा जी से कही। अब जब वो अमराई घाट आते हैं तो स्वामी जी स्नान करके खड़े थे, वस्त्र पहन रहे थे, आकर चरणों में दंडवत प्रणाम किया, सन्मुख साथ में पास सब सुंदर साथ के बीच में शीश धरयो दो स्वामी जी के चरणों पे अपना शीश आके रख दिया। दीनो जगत निकाल सर उनकी मेहर की दृष्टि ऐसी थी चलो आए महाराजा उससे आप महाराजा 76 साल जी जम्मू से आए जैसे चरणों में गिरे कृपा दृष्टि कर दी सुरता को माया से निकाला। रसोई के वक्त अब उधर रसोई का समय हो चुका था, स्नान कर स्वामी जी स्नान करके वस्त्र पहन रहे थे श्री साहब जी सीता और उसके बाद माताओं बहनों के लिए कनाते खड़े किए। विषय कल वैसे हो गया था लेकिन बाद में कुछ ऐसा ही गड़बड़ हो गया साथ के साथ, उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। चलिए थाल श्री बाई जी ले आई, तब जो है बाई जो राज थाल सजा करके लेके आती हैं। आगे धरी श्री राज आगे धरी चार जने महाराज संग और उधर महाराजा 76 साल जाकर महाराजा थे तो उनके जो है साथ चार साथी अंग रक्षक जो है वो साथ आए लिया इत प्रसाद। अब जब भोग लग गया स्वामी जी ने आरोग लिया तो सब ने प्रसाद लिया। कल भी बताया था बंधेले राजपूत अव्वल तो किसी को गुरु धारण ही नहीं करते, नहीं गुरुए ही मरते हैं। क्यों? क्योंकि बंधेलों का राजपूतों का ये नियम रहा कि सिर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, इसलिए वो गुरु धारण नहीं करते। और बुंदेला वंश जो है ना वो राजपूतों में भी सबसे श्रेष्ठ राजपूत है। तो अब उन्होंने एक तो स्वामी जी के चरणों में सिर झुकाया क्योंकि उन्होंने कोई गुरु भाव से तो लिया ही नहीं है, उन्होंने तो अपने धाम के धनी की पहचान की, उनके चरणों में झुके। अब प्रसाद जब ले लिया गांव गांव के दिल में अब होता है, इस पर कभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए। जिनकी फितरतें ऐसी होती हैं वो प्रचार प्रसार मंत्री नारद है ना देवी देवतों का, उनका काम करते रहते हैं। उनको खाना पीना तब हजम होता है जब चार घरों में वो लड़ाई झगड़ा आग लगा दें इधर की उधर, फिर वो शांत होते हैं आज का बिजनेस हो गया। अब वो भी साथ थे वहां पर, भागे भागे गए जाके चाचा बलदेवान जो इज्जत तो बड़ों की जाए छोटों को क्या होता है, बस आग लगा दी भड़का दिया चाचा सत्यानाश हो गया, बुंदेलो वंश का तो बिल्कुल खात्मा ही हो गया।
जब महाराजा छत्रसाली ऐसा करने लग गए, एक तो उन्होंने गुरु धारण कर लिया और उसके बाद जूठा प्रसाद भी खा लिया, अब बताओ क्या रहा हमारे खानदान का? कलयुग आए बैठा। बस कलयुग बैठ गया, ये है कलयुग। इसको कहते हैं दज्जाल। कई बार वाणी में शब्द पढ़ती हो ना तो स्वामी जी ने कहा कि कलयुग दज्जाल कोई हाथे घोड़े का नाम नहीं है। दज्जाल करत कछु ऐसा के अंदर करत दखल, दोस्त को दुश्मन करे फेर देवे अकल। जन पर भाव होते वही हमें बुरा लगने जाता है, ये बेईमानी अंदर बैठ जाती है, ये मन के अंदर दज्जाल बैठ जाता है। ओ उधर उस किसके घर किसके मन में बैठ गया? चाचा बलदेवान के मन में दगाम ने महाराज को। अब महाराजा आखिर मेलों में जाना ही था, गए तो महाराजा छत्रसाल जी को ईमान से गिराने के वास्ते जो कुछ नहीं कहना चाहिए था, आज दिन तक चंपत राय जी ने के बाद कभी भी छत्रसाल जी को ने गुस्सा नहीं किया। और आज ऐसे शब्द कह दिए, छत्रसाल जी चुप होके सुन रहे हैं। बहुत कड़ी दज्जाल, बहुत जो है बुरी हालत थी ना गए राज तरफ दलगीर। छत्रसाल जो अपने राज्य में राज की पहचान कर लेते हो डिगते थोड़ा गिरते हैं, ईमान कभी नहीं अपना छोड़ते। जरा भी दिल के अंदर उन्हें किसी प्रकार का मलाल नहीं आया, समझ गए कि ये माया का रूप है, इसने ऐसा करना ही है। हमेशा रहे खुशहाल, हमेशा राज्य की तरफ स्वामी जी के लिए प्रसन्न रहते हैं। संबल 1740 से अब वो समय आ गया जो गुरु नानक देव जी ने आज से 250 साल 300 साल पहले लिखा था वाणी में, दगेगा 39 साल लगेगा 40 साल। कोई मर्द मर्द का चेला दुनिया में कोई मर्द नहीं, एको पुरुष सभ्य नर। यहां वैसे बतेरे मूछे खड़ी खड़खड़ करके भी बड़े मर्द बने फिरते, सब नार हैं, नारी का रूप है, माया का रूप है। उन्होंने लिखा कोई मर्द एक पार ब्रह्म और उनकी आत्माएं, ये मर्दों की जमात है। यहां खेत देखने के लिए भले किसी को स्त्री का तन मिला है या पुरुष का तन मिला है, वो सच्चिदानंद पार ब्रह्म के, सूर्य की किरणें भी सूर्य का रूप होती हैं, पार ब्रह्म की आत्माएं भी पार ब्रह्म का ही रूप है। वो संसार में चेला गुरु होकर के मिलेंगे, उस समय सत्य के ज्ञान की बेला, अर्थात इस दुनिया में जहां झूठ ही झूठ का ज्ञान है, सत्य का ज्ञान प्रकट होगा। नानक साईं वेला भी है, नानक अपने परमात्मा को कहते हैं मुझे भी उस समय दोबारा मनुष्यतम दे देना, तभी तो मैं वेला देखूंगा। जब उसी सत्य सत्य की वेला तो मैं भी उनका ज्ञान सुन करके भव सागर से पार। अब कोई सरदार वाणी को पढ़ने वाला हो तो उसका दिमाग हिले कि जब गुरु नानक देव जी ने तो वक्त मांगा था और हमें वक्त मिल गया है, तो हमारे से ज्यादा खुश नसीब और कौन हो सकता है। पधारे पन्ना में, जब पन्ना में पधारे सेवा श्री महाराजा करी। अब महाराजा छत्रसाल जी की सेवा और हम भी सेवा लेते हैं, हो चुकी हैं भर भर की। अब जिन्होंने जैसा पहचाना होता है, कई तो देखा देखी सेवा लगाते हैं ना, वो छोटी मोटी सेवाओं को भी किश्तियों किश्तों में देते हैं, दो आज ले लो, दो चार कल ले लेना, 1/26-27 तक दे दूंगा, वो देखा देखी की सेवा होती है। दुनिया के कामों के लिए आज 50,000 रूप पड़े, उसमें क्या है मेरा पड़ा भी निकाल के दे देंगे, ये है। अब आओ जरा छत्रसाल जी की सेवा पहचाना कि ये मेरे धाम के धनी है। सुखपाल को बनाया और नौकर भी थे, राजा थे, वजीर भी थे, जा सकते थे ना उनको भी लेके, नहीं, कि सेवा वही कर सकता है जिसके दिल में नौकर मेरे मेरे कहने पर ही तो करेंगे, उनके दिल में भाव तो नहीं होगा। तीनों महारानियां और खुद सुखपाल को कंधों पर उठा के ले गए और जाके जहां महाराज स्वामी जी ठहरे हुए थे अमराई घाट पर रखा, बिठा करके किसको, स्वामी जी को और भाई जुराज को कंधों पर उठा करके ले आए। ध्यान के साथ ये प्रसंग कल चित्रण नहीं समझा पाया था, और अपने द्वार पर रखा। सुखपाल भरी जाए द्वार में, द्वार पर चोपड़ा जी के हवेली के बाहर अति उछरांग, और दिल में खुशियों का कोई सीमा नहीं थी। चले आ भीतर को,
अब सुखपाल रख दिया तो महाराजा छत्रसाल तो इसी में मगन हो गए। क्या छत्रसाल तेरा जीवन सफल, क्षातीत राज्य महाराज आज मेरे घर आए, इतनी में ही मगन हो गए। अब स्वामी जी ने तो नीचे उतर के अंदर सामने जहां आज भी सिंहासन है ना वहां जाके पधारना था। तो अब उतरे तो चरण कमल पहला तो नीचे आ गया। अब मजली रानी एकदम चौकी के ओहो मेरे धाम धनी मेरे घर आए हैं और पग जमीन पर रख रहे हैं। सोचने लगी अगर महलों में अंदर भाग के जाती हूँ को कपड़ा ले रहे इतने में तो स्वामी जी अंदर चले जाएंगे। आज भी कल भी बताया था जब जिसको असल राजपूत पुतानियां लड़कियां कहते हैं वो आज भी चार कपड़े रखते हैं, एक साड़ी फिर एक चद्दर फिर एक सुहाग वाली साड़ी एक और चद्दर, चार ओढ़नियां ओढ़ते हैं। वो उस समय तो फिर कुछ बात ही नहीं खास वो थी, उन्होंने बड़ी चद्दर जो थी वो पहन ली और अपनी साड़ी उतार करके चरणों में पावड़ा, किसी को पता भी नहीं चला क्योंकि चद्दर उससे भी बड़ी होती है, किसी ने चरण कमल तक भी उनके नहीं देखे और उस साड़ी को बिछा दिया। महाराज छत्रसाल जी को होश आए, कहले अभी मर गया मैं तो हार गया कि करना तो मैंने था पावड़ा और मजली रानी कर गई। अब मना भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की आत्मा के तो धनी ठीक है। छत्रसाल जी शरीर के पति थे तब रिक्वेस्ट करते भाई मजली रानी धनी तेरे भी हैं पर संसारिक मैं तेरा पति हूं, इस वास्ते तू साड़ी उठा ले और मैं पाग बिछाता हूं। उन्होंने कहा ठीक है अगर बंधेला अपनी पाग बिछाता है तो और भी मान की बात है। तो छत्रसाल जी ने साड़ी अपने हाथ से उठाई और पाग का पावड़ा कर दिया। मजली रानी उदास होगी कि राज्य महाराज इस वक्त मैं भी मर्द होती, अच्छा क्या करूं, कोई बात नहीं बेबसी है पर वो सबके भाव पूरा करते हैं। महाराज स्वामी जी ने देखा मजली रानी उदास हो रही है, अब पाग कोई 20 गज की लंबी तो होती नहीं, बाहर आज भी देखो बहुत दूर है अंदर से जैसे पाग नहीं पूरी आ सकती, कईयों ने आजमा भी देखा है उन्हें जगह बचती है। तब स्वामी जी उस पाग पर चल के गए तो आ गई जगह बच गई। अब स्वामी जी कहते हैं छत्रसाल वो साड़ी निकाल बिछा, तब उसके भी भाव पूरे करके अब सिंहासन पे बैठे। इधर क्या होता है नहीं समझे थे, आग लगाने वाले दज्जाल भी तो खड़े थे, चाचा ले आओ तो हो गया सत्यानाश, आगे तो चलो प्रसाद ही लिया था, अब बहुओं की साड़ियां भी जब उतर गई तो अब बोलो किसको जाके शक्ल दिखाओगे। बस सर वो साड़ी 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 की ही चर्चा सारी जनता के अंदर, ओ ऐसी बातें मिनटों में मुंह जबान बंद नहीं होती, घुसल पुथर चलती है, एक को एक तमाशा हो जाता है। अब चंदन पुष्प आरती तब करें जब सबका ध्यान हो, अब चंदन लगाना है आरती करनी है और उधर क्या हो रहा है साड़ी ये अच्छा नहीं किया छत्रसाल जी साड़ी ये अच्छा नहीं किया यही चर्चा है। महाराजा थे उन्होंने कहा आरती बाद में करूंगा, सबको आवाज दे के कहा पूज्य वरम बैठ जाओ और सारी जनता से प्रार्थना करता हूं जैसे खड़े हो अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। तो महाराजा कह रहा है मिनटों में सब बैठ गए, पुलिस मिलिट्री भी साथ थी जो भी था। उसके बाद कहते कि देखो अनाप सनाप अलूल जलूल बोलने की किसी को जरूरत नहीं है, मैं समझ रहा हूं कि मेरे चाचा बलदेवान बहुत देवड़ियों में हैं और उनको गुस्सा आ रहा है क्योंकि उनको भी पता नहीं है कि मेरे घर कौन आया है और इसलिए तुम सबको भी बातें बनाने का आज मौका मिल रहा है, इसलिए मैंने अभी आरती नहीं की उनका पूजन चंदन नहीं किया, पहले सुन लो कि मेरे घर कौन आया है और मैंने किसकी आरती किसके लिए पावड़ा और किसके लिए सब कुछ किया है ताकि तुम्हारे शरण से मिट जाए। ये जो रोज हर आरती से पहले केवल संध्या आरती नहीं मंगल आरती करोगे तो पहले पूरण
फिर शयन आरती करोगे तो पहले पूरन ब्रह्म बोलो। ये तब से चली। उन्होंने बताया कि सुन लो, मेरे घर मेरा गुरु नहीं आया, ना मैं उसका शिष्य हूं, क्योंकि सारे लोग बोलते भी हैं पर प्राणनाथ जी की वाणी पर। जब गुरु महाराज गद्दियों वाले ही नहीं चलते, उनको तो महाराज बनना है, गुरु बनना है, उनका धंधा नहीं चलता, तो बेचारे अगले वाले तो जैसे महाराज जी करने बड़े हैं वो ठीक हैं, 14 साल के लड़के को बिठा दो गद्दी पर, वो बड़ा महाराज हो गया। खैर, संसार अपनी अकल से जो कर रहा है ठीक है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। सुंदर साथ उन खड्डों में, उन अंधे कुओं में ना गिरे, इतना सा हुक्म मेरे प्राणनाथ का है जो आपको समझा रहा। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। ब्रह्म किसको कहा है? अक्षर ब्रह्म। मेरे घर कौन आया है? पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारा। और आनंद अखंड अपार, वो सदा अखंड आनंद के देने वाले हैं, वो मेरे घर आए। शिव सनकादिक, एक एक चीज को समझिए, शिव और ब्रह्मा जी के चारों मानसिक पुत्र शंकर सनंदन सनातन उपास, ये चारों जब से ब्रह्मांड बना है तभी से इनके दर्शनों के लिए, इनके नाम के लिए, इनके स्वरूप के लिए, इनकी लीलाओं को तरसते थे। शिव सनकादिक आद के इंच, शेष न पामे अगम जान के निगम कहा में, खोज खोज पची। ब्रह्मा जी ने भी दावा भरा था मैं पारब्रह्म का ज्ञान देता हूं, लेकिन जब पहले शून्य में ही घुसे तो हवास गुम हो गए। पहले तो अगम अगम कहते रहे, फिर क्या कह दिया, भाई निगम दुनिया वालों मुझे नहीं पता। लोग कहते भी है प्रवचनों के करने वाले, फिर कण कण में परमात्मा को घुसे के बैठे। अगम जान के निगम कहा में, खोज खोज बच्चे यार, ये वो मेरे घर आए जिसको आदि ने नहीं पा सके, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पा सके, जिसको शिव सनकादिक नहीं पा सके, वो मेरे घर आए हैं। अब आगे बता रहे हैं, तुम कहोगे कि भी ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर आदि तो सब अनादि काल से पर्वतों पर बैठ करके उनका ध्यान सुमरन और तपस्या में लगे हुए थे, और तुमने तो कभी उनको याद किया ही नहीं, तो तेरे घर बिन बुलाए कैसे आ गए भाई? इसलिए आ गए कि जान के मूल धनी ना अपनी। मेरा मूल निस्बत सनमंद परम धाम का था, मैं उनकी एक आत्म थी और वो मेरे धाम के, इसलिए आए। जैसे लड़का कलकत्ते में रहता हो, लड़की फिरोजपुर रहती हो, तो बरात लड़की लेके जाएगी कि लड़का लेके आएगा? इतना तो ज्ञान है, चलो शुक्र है, हैं? तो छत्रसाल जी समझा रहे हैं, मेरा दूल्हा राजा बरात लेके आया अपने पत्नी को लेने के लिए, चाहे मैं पहाड़ियों में थी चाहे मैं कहीं थी, उसको बरात लेके तो आना ही था। जान के मूल धनी अंगना, मुझे अंगना, उन्हें पता था कि इस छत्रसाल जी के तन में मेरी परम धाम की आत्म बैठी है। जान के मूल धनी मेरे साथियों, ये संबंध है प्राणनाथ जी से हमारा, जिन्होंने आगे गद्दी प्रथा चला रखी है वो भूल में है और भूल से निकलना भी नहीं चाहते, क्योंकि बड़ियां दी गद्दी बड़े खड्ड में गिरे थे, हमने भी वहीं गिरना और वहीं जाके मरना, मरो मना नहीं करते, पर ये ना कहना किसी ने मंदिर में समझाया भी। ध्यान के मूल धनी सो घर आए और अकेले नहीं आए, दूल्हा के साथ सवाला आता है, रखवाला आता है, श्री ठकुरानी जी सब
ये श्यामा महारानी हम सब आत्माओं के मालिक हैं। श्री ठकुरानी जी सखियां ने सुधर सोधने के लिए ढूंढ ढूंढ के निकालने के लिए लैले संग बधाए और खाली नहीं आए, वरी भी साथ लाए, साड़ियां लाए हैं, जेवर लाए, सुंदर साजी सुनने की बातें हैं। ये पूर्णवर में ऐसे नहीं ढोलक उठाया तब पूर्णवर चल हो गया। त्रैगुन फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा काट दिया है इन्होंने, लोकलाज को, मर्यादा को, खानदान की शानों को, रस्मों रिवाजों को, रीति और प्रीतियों को। खामना छोड़े तो दोष प्रार्थना जी करनी, हमने तो खानदान की रीति पाल ली। छत्रसाल जी ने जट से खानदान की लाज को उड़ा कर खानदान शरीर से और शमशानगढ़ तक का खानदान, उसके बाद क्या है खानदान तुम्हारा? दुनिया झूठ के खानदानों में फंसी हुई है, आत्मा दुनिया को बताएगी ताकि आखिरत में दुनिया ये ना कहे प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे हमको किसी ने बताना था। जो मर्जी करो जाओ, लाख मेलों में जाते रहो, लाख किसी के चेयरमैन बनते रहो, नरक कुंडी ही नहीं छोड़ा, नरकों में जाओ। त्रैगुन फांस के तो पड़े थे सो फंदा, अब कहते हैं बारी बारी जाऊं मैं अपने शोभा मुख से वर्णी। छत्र साल ध्यान के साथ सिंहासन आसन बैठारू छत्र साल की, मैं अपने प्रीतम की अपने धनी के लिए पावड़ा बिछाया है और अब उनका जाके पूजन करूंगा। और पूजन भी अब कैसे करते हैं? आरती निछावर करके, आरती निछावर करके कई धन धन दिन भाई इसको आज क्या खिला दिया, ना टीका ना पावड़ा ना चंदन और आरती की बैठी तू नहीं आरतियां हम लोग भी करते हैं और करेंगे भी 29। अब क्या रखते हैं? तीनों रानियों को पकड़ खजाने की चाबी और अपना शीश धनी के चरणों पर रख दिया के धनी खेल देखने में आकर जो मैंने मैं खुदी मैं जो है एक मेरा शीश है और ये मेरी रानियां मैं है ना और ये चरण ये आपके चरणों पर अर्पण है श्री प्राणनाथ के चरण पर, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बल बल जाए, छत्ता बल बल जाता है। ये रखा चरणों में अपना निछावर आरती का, श्री भाई जी को जोड़े श्री राय के। अब आरती जलाई करते नहीं, कहते स्वामी जी अब जब आपने मुझे पहचान दे दी कि आप कौन हैं तो मैं कैसे बोलूं, क्योंकि स्वामी जी यहां छत्रसाल जी को अमीरुल मोमिन कहते हैं, सब सुंदर साथ के सरताज कहते हैं, वहां लालदास जी मुकंदास जी और भी सुंदर साथ बैठे थे, तो देखा जाए तो कुर्बानी किसने की? लालदास जी ने, जो 12 मोमिन गए हैं जेल में और सूरत से निकल के बेचारे जगह जगह पर कहीं मार खा रहे हैं, कहीं भीखे मांग रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, उनको नहीं मिला। क्यों? उन्होंने स्वामी जी के स्वरूप की पहचान नहीं की। वो आरती उतारते थे केवल एक स्वरूप साहब स्वामी जी की ही आरती उतारते थे, भाई जी राय को कभी बिठाया नहीं। अब यहां स्वामी जी की और छत्रसाल जी की कुछ वार्ता भी होती है। स्वामी जी कहते हैं कि भाई सब आरती उतारते तू क्यों नहीं उतारता? कहने लगे जी हम आपके अंग तो नहीं,
आपके अंग तो केवल श्यामा जी के हैं, और श्यामा जी ने अंग हो सुंदर सर, हम तो श्यामा जी के हैं। और आपने शास्त्रों में लिखवा रखा है युगल स्वरूपम प्रेमलम अचलम दंडातीतम सादृशम के पार ब्रह्म अक्षातीत युगल स्वरूप है, तो आप दुनिया में आ गए तो एक स्वरूप की आरती कैसे उतर। लाल दास वगैरह के हवास उठ गए, शर्म से सर झुक गया, लानत देने लगे कि धिक्कार है हमारी कुर्बानियों पर अगर हमने उनके असल स्वरूप को। कहने लगे महाराज जरा ये बता दो मूल मिलावे पे अकेले बैठे हो कि युगल स्वरूप बैठे हो। अब बोल ही नहीं सके स्वामी जी आगे। कहने लगे बिठाई, कहना बिठा गए। तब उस दिन तेज कुवरी श्यामा, आखिर में राय ठाकर इंद्रावती भी प्राणनाथ का स्वरूप है तो तेज कुवरी भी श्यामा जी के स्वरूप है। बिठा करके चंदन पुष्प करके तब आरती उतारी युगल स्वरूप की। बैठाए कंस ने बड़े स्नेह भाव प्रेम से, जो मूल मिलावे का स्नेह प्यार था उसी भाव से सिंहासन पे बिठाया। कहनी में ना आवी, अब ये चीजें कहनी में नहीं आ सकती, जिसके दिल के भाव होते हैं वो ही बता सकता है कि किस भाव से आरती की थी। लगो युगल सोने, लगो युगल सो, एक सो नहीं सात मस्त के बीच में, सात सुंदर सात के बीच में युगल धनी बैठा है। युगल धनी युगल स्वरूप जो परम धाम का स्वरूप है उसी भाव से बिठाया। कही तुम साक्षात अक्षराती तो, और कहा स्वामी जी सुन लो, तुम साक्षात अक्षराती तो, हम चीनिया तुम्हें बनाए, मैंने तुम्हें अच्छी तरह से पहचान कर ली है। श्री ठकुरानी जी साथ संग ले, श्री ठकुरानी जी और साथ सब सुंदर साथ को लेकर पधारे मेरे घर, मेरे घर आए हो। धनी बिना तुम्हें और देखे, और ये भी ऐलान करता हूँ कि तुम रहोगे दुनिया में कई तुम्हें प्रभु कहेंगे, प्रभु प्राणनाथ, और कई तुम्हें माँ प्रभु मत के धनी बड़े फरमाते हैं वो भी कहेंगे, वो कोरे जीव और ईश्वरी सृष्टि होंगे। जो परम धाम की आत्म ब्रह्म सृष्टि होगी वो कभी भी आपको प्रभु या माँ प्रभु नहीं कहेगी, वो हमेशा धाम का धनी बिना तुम्हें और जो देखे वो मिसल नहीं मातबर, वो परम धाम की आत्म ब्रह्म सृष्टि है ही नहीं। छत्रताल कहते हैं मैं अभी से सिक्की मोर लगाता हूँ, सो नहीं मिसल मातबर, वो परम धाम की आत्म ब्रह्म सृष्टि नहीं, क्योंकि उनको पता है परम धाम में कोई प्रभु और माँ प्रभु है। और उसके बाद यहाँ नीचे नीचे उतरते जाओ तो माँ प्रभु और प्रभु है। अब तो चुना हमारा, अब हे धनी जब आप साक्षात आ गए तो अब मेरा कुछ भी मैं पना भी नहीं है। दे चुके हम शीश, जब मैंने शीश आपके चरणों में रख दिया और अपनी मैं खुदी गुमान अहंकार आपके चरणों पे तीनों रानिया और चाबी रख दी, अब ये मेरा पना जो है ना ये भी मेरे पास नहीं, क्योंकि शीश रख दिया। हम तो मूल जबानी रखी ना, तन मन जीव निछावर रखी न, तीनों ही कह देते हैं करते कुछ भी नहीं। कहते नहीं धनी, अब छतर साल पतर साल कुछ नहीं, अब जो कुछ है आपका हुक्म है, मेरा पना अब कुछ नहीं, मेरे बस में अब कुछ नहीं है। करो जानो सो बख्शीश, अब आपने जैसा जो कोई काम लेना वैसा आप बख्शोगे, आपकी बख्शिश से ही वो कुछ होता चला जाएगा। ता बोले श्री राज जी, अब राज जी महाराज बोले, देखे राणा पासा सब, ओ छतर साल दुनिया वाले सुन लो, बड़े बड़े राजा देखे, बड़े बड़े राणा देखे, उन्होंने भी अपने गुरुओं का पूजन किया, राम भगवान ने भी किया विशिष्ट का हीरों के ध्वज, और कुछ नहीं। एकलव्य ने किया, द्रोणाचार्य और बड़े बड़े पांडवों ने भी किया, लेकिन जो कुछ करनी अंकुर जहां परम धाम की आत्म होगी या जो छत्रसाल जी ने करके दिखाया वो दुनिया के जीवड़े कभी भी कर सकते नहीं। पर जो कुछ करनी अंकुर की, पर जो कुछ करनी परम धाम की आत्म की होगी, सोई देखी हम सब, समझी कहते हैं तुलना करके देखो वो सब छत्रसाल जी के अंदर है। पहले दाता हम, अब छत्रसाल जी कहते हो स्वामी जी फिर
पहले तो दाता हम भय जो गुरु को दीनो आपके चरणों पर सब कुछ समर्पित किया है, गुरु को दीनो शीश, गुरु को शीश दिया पीछे दाता गुरु वे। कई सोचते होंगे कि फिर ये तो गुरु आ गया, शरीर के गुरु होते हैं, आत्म के गुरु नहीं होते। आज दोपहर को भी एक बहन ने कहा जी फिर गुरु बिना तो गत नहीं, ये तो लिखा है। मैं क्या, हाँ जब आपको मैं ज्ञान सुना रहा हूं तो कहने को दुनिया को कह सकते हो कि जी हमारे वो गुरु हैं, उन्होंने हमें राज्य के चरणों से पालो बांधा है, लेकिन जब मैंने आपका पूजन कर दिया तो फिर आप मेरे गुरु हुए। आपने हमारा पूजन किया, हमने आप किया, तो आत्म से एक हो गए, शरीर से गुरु कहो तो कोई उसमें पाप भी नहीं है। लेकिन गुरु भाव वो अंडा धुंधी और गद्दी बदली न न न न वो सम्बन्ध कभी पल्ला नहीं, क्योंकि शरीर खत्म हो जाएगा फिर नया गुरु ढूंढोगे। इन झंझटों से भी निकाला स्वामी जी ने के सतगुरु मेरे श्याम, पहले सतगुरु देव झंझी को कहते रहे, और उसके बाद जब राज जी अंदर बैठे सारी वाणी उतर आई तो सतगुरु मेरे श्याम जी सीधा कह दिया। ये तरीका है सुंदर साथ को त्रैगुण फांस के फंदों से निकालने के वास्ते। सब कछु कियो बख्शीश, तब स्वामी जी उसको अब क्या क्या बख्शीश करते हैं ध्यान देना। पीछे दाता सतगुरु भय जो सब कुछ कियो बख्शीश, बीतेगा अंताली से। स्वामी जी चंदन लगाते हैं कहाँ पर है, कहाँ चमैया छोड़े जा रहे हो? नहीं एक भी नहीं छड़ी है, देख लो बैठ ले तू है। आगे कहाँ जब स्वामी जी उसको कहते हैं चलिए अब ये फिर वो चौपाई आ रही है गुरु नानक देव जी की, बीतेगा उनतालीसा दगेगा चालीसा, गुरु चेला तो अब बने हैं ना, दगेगा चालीसा तब कोई होसी मर्द मर्द का चेला, तब कोई होसी मर्द मर्द का चेला, नानक गुरु दिखावे साई, नानक गुरु दिखावे साई, मुझे भी वो वक्त दिखाना सच सच दी बेला। जब दुनिया में सत सत का ज्ञान उदय होगा, जाहिर हो जाएगा सच्चिदानंद का स्वरूप, विजय अभिनंदन बुद्ध जी, विजय अभिनंदन बुद्ध जी ब्रह्म सृष्टि सिरताज, वो कौन है जो ब्रह्म सृष्टि के सिरताज अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म है, वही विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं। हाथ हुकम छत्र साल के, अब हुकम जो है सारा स्वामी जी टीका उठाएंगे कि छत्र साल तूने पूजन कर दिया अब आगे आ जा। स्वामी जी छत्र साल जी का पूजन करती, कई सोचते होंगे इन्होंने नया ही रिवाज निकाल लिया, लगते हैं सबका पूजन करने, ये स्वामी जी पूजन कर रहे हैं छत्र साल जी का। दियो सो अपना राजा, ध्यान दो तिलक लगाया और क्या दिया, जो कुछ छत्र साल जी के पास थे उन्होंने दे दिया, अब आगे कौन है अक्षरा? कहने लगे भाई राजी महाराज ने मुझे कुल जागनी कुल हुक्म परम धाम का राज दिया था, वो सब तुझे दिया, और जा जहां जहां तेरी कदम और तलवार बढ़ती जाएगी दुनिया धर धर कांपेगी, कोई राजा तेरे सामने नहीं पड़ेगा। जाहिरी शक्ति भी और परम धाम का भी सब कुछ मैं तुम्हें अर्पण करता हूं। इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टौंस छतर साल सो लड़न को किसी को न रहो हौस किसी का। इंदौर उज्जैन तक छतर साल जी की राजधानी चली गई, लेकिन वो लड़ाई किसी और तरह से थी, वो भी आ जाएगी। अब इसकी जो है स्वामी जी ने खुद परख दिया कि तुम छतर साल ने साक्षात परम धाम की शाकुंडल हो, प्रगट भई पहचान, सबको प्रगट करके पहचान बता दी कि जिसके अंदर आत्मा होगी उसकी रहनी करनी ही कुछ और हो जाएगी। छतर साल छत्ता हुआ, छतर साल को सबका जो है छतर बना दिया, छिपे सबे सुल्तान, सब सुल्तान उस दिन से जो है कोई, ये तो बदकिस्मती है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री की। डॉक्टर जिंदर प्रसाद भी जब गए थे पन्ना जी में, उन्होंने कहा दुर्भाग्य वैश्य मध्य प्रदेश का कि हिस्ट्री लिखने वाले कहां सो गए थे,
शिव जी महाराज ने जितनी लड़ाइयां लड़ी हारे, और 76 साल जी ने जित 52 लड़ाइयां लड़ी, एक वे भी हारे नहीं। पर क्यों साहित्य में नहीं आया ये हम नहीं कह सकते। 76 साल छत्ता हुआ का सुंदर भाई जो किसने कहा था? श्यामा महारानी जी ने कह दिया था कि वो 76 साल के वो जो शाह कुंडल और शाह कुमार है, जब ये दोनों आ जाएंगी तो फिर सिंधी में भी कह दिया के शाह कुमार आवसी पर अपना कर दिखा आवसी। जब शाह कुमार भाई की आत्म जाग के आएगी तो वो भी 76 साल जी की तरह से ही शिव जी साहब को जाहिर करेगी। आप दिखावा के अपनी, वो खुद अपनी पहचान खुद लोगों को करा देती है। कैसा कुंडल सोए, तो शाह कुंडल ने अपनी पहचान करके सुंदर जात के सामने सब पहचान कराई कि परम धाम के अंकुर की रहनी पहचान क्या होती है। साखी कहके थाल ले, तब जो है साखी कहके थाल लाते हैं। तिलक करे और अब तिलक किया, आरती उतारेंगे। बाल माए 76 साल के, अब महाराजा स्वामी जी ने महाराज 76 साल जी के तो तिलक लेके ना दमदम मस्तक में जो है तिलक चढ़ाया। कैया बैठो महाराज, और अपने मुख से कहा बस 76 साल आओ महाराजा 76 साल अब मेरे साथ बैठो। बजी बधाई नरपंत के, जब स्वामी जी ने महाराजा कह दिया उसी वक्त सब वजीरों ने, सब घर वालों ने, परिवार ने, जनता ने कहा बोलो महाराजा 76 साल की। सब ने उनको बधाई दी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। Thank you.
बोलो श्री सतगुरु महाराज।